देखिए, मेरे पास एक स्टेबलाइजर आया है, डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये एसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसमें क्या नया फीचर है या क्या नया चीज़ है इसमें, आपको दिखाते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे पास कोई नया इसमें कोई टेक्नोलॉजी होता है, तब हम उसे आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको ये जो दिख रहा है, इस तरीके से आप इसे देखें तो जान सकते हैं कि इसमें देखिए चार स्टेबलाइजर, सॉरी चार रिले यूज किया गया है। 1, 2, 3 और 1, 4, ये है इसका आउटपुट रिले ये। और इन तीनों रिले में यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया गया है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो ये दो कैपेसिटर यूज किया गया है। और ये कैपेसिटर का जो जॉइंट है, यहाँ पर देखें ये PF है, तो ये पोल से, और ये ऐसे देखेंगे एक है NO पे और एक है NC पे। फिर दूसरे पे आते हैं, यहाँ पर देखें ये भी एक NO पे है और एक NC पे है। इसमें एक ही कैपेसिटर यूज किया गया है, यानी इस रिले में एक यूज किया गया है और इन दोनों रिलों में दो दो यूज किया गया है। यानी यहाँ पे पोल को जो है एक कामन मान के NO, और जो है NC पे NO और NC पे, और इसमें क्या है पोल को कॉमन मानकर केवल NO पे पॉइंट पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आउटपुट वाले में यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, अभी हम इसका और डिटेल देखते हैं। पहले हमने ऊपर से जो इसका कुछ कुछ बात जो है जो आपको दिखा दें कि इसमें क्या विशेषता और क्या खास रखा है जिसने भी इसे डिजाइन किया गया किए हैं, वो बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ पर देखें एक CT यूज किया गया है। CT का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, और इसे भी सेंस कराया गया है, यानी जो भी यहाँ पे लोड पड़ेगा इसको करंट के रूप में, डिस्प्ले के रूप में यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसमें ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके से यूज है, जैसा कि हमने इसके बारे में और भी पहले बताया था। ये लुमिनस या लिप गार्ड में भी यूज किया गया है इस डिस्प्ले को, इसी तरीके से। इसे और जूम करके दिखा दें, ऐसे ये ऊपर साइड का है और इधर ये ट्रैक साइड है। ठीक, अब आ जाते हैं इसके मेन PCB पे। ठीक है, इसे निकालते हैं। यहाँ पर देखें ये ऑपरेशन एम्पलीफायर 324 यूज किया गया है, माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया है, और यहाँ पर चार पाँच, यानी 1, 2, 3, 4, 5 पांच ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। ये 5 ट्रांजिस्टर ड्राइवर का है या क्या है, अभी हम PCB को निकालते हैं तब देखते हैं। क्योंकि इसमें 4 ही रिले हैं तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, वो किस लिए है इसको हम देखते हैं तो फिर आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये PCB कुछ इस तरीके से है, और यहाँ दिखा दें ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर 324, ये इस तरीके से देखिए। ठीक है, ये और ये माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया है। ठीक है, ये इसके 5 वोल्ट काम करने के लिए यहाँ पे जो है एक रेगुलेटर यूज किया गया है, जो कि 7805 है। अब यहाँ पर देखें इसमें ये जो है आउटपुट और इनपुट और एक न्यूट्रल, यहाँ पर देखें ऐसे ये इनपुट और आउटपुट के रूप में लिया गया है, और ये है न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने 5 यानी 5 ट्रांजिस्टर की बात की है ड्राइवर का, ये देखिए यहाँ से ये वायर निकल रहा है, तो टोटल इसमें 4 रिले हैं, 4। तो ये 4 के लिए ये जो है यहाँ पर देखें, एक तो हो गया ये कामन, और ये जो है निगेटिव के लिए हो गया 4 वायर। अब एक बीच में यहाँ पे कैंसिल है। ठीक है, इसे पलट कर दिखाते हैं। देखिए जितने भी ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, इसे 1, 2, 3, 4, 5, ये बीच के जो कलेक्टर पॉइंट है यहाँ सब पे आए हैं। यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, तो ये कॉमन हो गया, ये इसका पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे जा रहा है जितने वोल्ट का रिले है। तो इसमें से ये कैंसिल कौन सा है, इधर से 3 छोड़ के 1, 2, 3, यानी ये वाला कैंसिल है। ठीक है, ये
अब इसको अगर समझना हो तो इसके लिए इसे पहले टेस्ट आउट करके डायग्राम बनाने होंगे। डायग्राम वो भी इजी तरीके से समझने लायक बनाया जाता है, तब ये समझ में आता है कि कैसे कैसे इसकी वर्किंग प्रोसेस है, इसमें क्या विशेष है। और इसी तरीके से अगर हम किसी अदर चीज़ को डिज़ाइन करना चाहें तो उसमें, जैसे इसमें कोई चीज़ इसमें प्लस की गई है, तो जैसे माइक्रो कंट्रोलर पे एक मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल डिज़ाइन होता है, जो छोटे छोटे बोर्ड आते हैं, इससे इसका हाफ साइज़ होता है। तो उसमें देखिए ये सब कोई ऑपरेशन फायर का यूज़ नहीं होता, ना ही प्रेशर का यूज़ होता है, ना ही इतना कोई इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को सेंस कराया गया है कि इसमें बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया है, कि जैसे इस रिले के स्पार्क के टाइम का पोजीशन को भी बहुत ही एक अच्छा कैपेसिटर यूज किया गया है। रिले की साइज़ जो है आउटपुट का छोटा रखा गया है, कि बीच में जो इसकी ऑन ऑफ का पोजीशन है वो चीज़ें कम से कम हो। तो ऐसे ही इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये हमको बहुत ही बेस्ट लगा, तो इसलिए हमने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। इसमें आप देखे होंगे किसी टाइप का लिप गार्ड में कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन होता था, लेकिन वहाँ पे जो है ये नहीं यूज किया गया था। उसमें आप देखे होंगे जो एक्स्ट्रा आईसी लगी होगी, वहाँ पे एक अलग आईसी था वो, जो जो इस तरीके से था, ये है ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें दो दो चार ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, इसमें रिले एक अलग एक्स्ट्रा यूज है छोटा सा। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, इसके मैंने सोल्यूशन भी निकाल लिए हैं। अगर किसी के पास ऐसे प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो में जाकर देख कर उस चीज़ को डिजाइन कर सकते हैं, और उसके हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कि जो कि लिपगार्ड में ये सारे प्रॉब्लम बहुत आते थे या आते हैं, बहुत लोगों के पास ऐसे केसेस आते हैं। तो मैंने स्टेबलाइजर के प्लेलिस्ट में आपको दिखाए हैं, इसको लगाते समय इसके जगह पे आप कौन सा बोर्ड यूज़ कर सकते हैं उसमें भी मैंने डिटेल दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें देखिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन, या आप किसी चीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए या और भी अच्छे से काम करने के लिए एक अच्छा स्टेबलाइजर देने के लिए, क्योंकि एसी के लिए यूज़ किया जाता है। एसी भी अब इस समय काफ़ी सेंसिटिव डिवाइसेस माना जा रहा है, क्योंकि उसमें जो जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो काफ़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव के लिए पावर उसे जो भी इनपुट कराया जा रहा है वो भी बहुत ही मस्त होना चाहिए, अदरवाइज उसमें बहुत सारे फॉल्ट इससे भी क्रिएट होते हैं। वो हम बात करेंगे जब ये पावर को, यानी इससे जो पावर आउट होता है हमारा, इसमें इसकी अगर प्योरिटी ना हो या इसमें क्वालिटी ना हो या इसमें कोई भी फ्लैक्चुएशन हो, तो इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं अदर उस पे, जो इसके आउटपुट पे जो